ओके असलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर लीना खान। बहुत सारे लोग मुझे जानते भी होंगे। थोड़ा सा मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये सपोर्ट ग्रुप हम तकरीबन थर्ड वीक हमारा चल रहा है। हम अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग दिस एवरी वीक एंड हम चाहते हैं कि जो बेसिक नॉलेज है अबाउट स्पेशल नीड्स, जो स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं इनके सबके सबके साथ पहुंचे, पेरेंट्स को पता हो। हमारे बहुत सारे थेरेपिस्ट ही होते हैं बिकॉज नेवर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बहुत सारी चीज़ें लैक कर रही होती हैं। सो उसके हवाले से मैं पहले भी जो है आई वॉज डूइंग अ लॉट ऑफ यू नो फेसबुक लाइव मैं काफ़ी करती रही, अपनी रिकॉर्डेड वीडियोज भी लगाती रही हूँ। एंड दिस इज आवर थर्ड वीक ऑफ यू कुड से दिस इज आवर थर्ड वीक जिसमें हमने वो स्टार्ट किया, प्रेजेंटेशन स्टार्ट की है। एंड अभी मैं एक प्रेजेंटेशन दूंगी तो मुझे कैसा पता चलेगा किसी ने ज्वाइन किया। ओके बिकॉज जो रह गया मेरे ख्याल से फिर वो रह गया। So the topic of our today presentation is functional communication, and functional communication is the communication jisko hum basic communication kehte hain, and that means if a child is able to tell you what is the want and the need of the child, ki bacche ko kya chahiye, uski kya wants, uski kya needs hain, and matlab अगर उसको पेन हो रहा है तो आपको बता सके, उसको भूख लगी तो बता सके, इफ द चाइल्ड वांट टू गो टू वॉशरूम तो वो आपको बता सके। तो इट मींस इट इज बेसिकली फंक्शनल कम्युनिकेशन जो उसको रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं या कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरे लोगों से, पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, बहन भाई के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इसमें उन बच्चों के लिए तो बहुत बेसिक, हम इसी बात करें जिनके पास स्पीच नहीं होती तो हमने उन बच्चों के उनकी चीजों के ऊपर काम करते हैं, बहुत बेसिक चीजों से काम करते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम बेसिक थिंग अबाउट फंक्शनल कम्युनिकेशन की हम कैसे इसकी घर के अंदर पेरेंट जो है वो कैसे कोशिश कर सकते हैं इसको डेवलप करने के लिए, एंड हाउ थेरेपिस्ट कैन हेल्प अ चाइल्ड टू डेवलप दिस कम्युनिकेशन इन इंस्टीट्यूशंस एज वेल। एंड सिंपल फॉर्म में भी हो सकता है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि बच्चा फुल जुमला बोले, समटाइम कुछ बच्चे जो है वो एक लफ्ज या दो लफ्जों से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको आपने बच्चे को हर हाल में इंकरेज करने का, दैट द चाइल्ड शुड बी इंकरेज्ड, चाहे वो एक लफ्ज भी इस्तेमाल करे, लेकिन अगर वो आपको बात समझ आ रही है तो इट मींस दैट के चाइल्ड को और इनकरेजमेंट और सपोर्ट की जरूरत है। और बेसिक थिंग इज दैट कि अगर पेरेंट्स को आइडिया है नहीं है इस बात का कि उसके बच्चे को फंक्शनल कम्युनिकेशन है कि नहीं है, तो जो एक साल का बच्चा होगा, वन ईयर चाइल्ड वुड बी एबल टू टेल यू योर सिंपल वांट्स एंड नीड्स, यानी कि वो मम मम बोलेगा। इससे थोड़ा सा ऊपर नीचे भी जा सकते हैं बिकॉज डेवलपमेंटल माइलस्टोन आर ट्रिकी थिंग, बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं था, कुछ बच्चे ज्यादा जल्दी करते हैं, कुछ बच्चे कम करते हैं। सो द थिंग इज दैट ओवर हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि आपके बाकी घर के बच्चे आए वो चीज को फंक्शनली कम्युनिकेट कर सकते हैं नहीं कर सकते। फ्यू ईयर्स जो होते हैं, फर्स्ट ईयर ऑफ योर लाइफ ऑफ द चाइल्ड लाइफ, उसमें वो चीजें समझ आ रही होती है बच्चे को, आया वो गेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, कम्युनिकेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, ठीक है। सो इट कुड बी वर्ड, जैसे ऑलरेडी आई टोल्ड यू, कुछ कुछ कुड बी वर्ड भी हो सकते, सिंपल सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, दो लफ्जों का जुमला भी हो सकता है और तीन लफ्जों का जुमला भी हो सकता है। और एज मैंने आपको बता दी, एंड द थिंग इज दैट जिन लोगों को डिले हो तो फिर हमने इन चीज़ों के ऊपर काम करना होता है कि अपने बच्चों की फंक्शनल लैंग्वेज कैसे डिवेल्प करनी है, बाकी लैंग्वेज बच्चे के अंदर आ जाए, जिसको हम सोशलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अक्सर पेरेंट्स ये कहते हैं कि हमारा बच्चा इस एस्पेक्ट को छोड़ के द चाइल्ड हैव कम्युनिकेशन और नॉट, हमारा बच्चा शेयर नहीं करता, हमारा बच्चा सोशलाइज नहीं करता। सो बिफोर लुकिंग इनटू दैट एस्पेक्ट के बाकी बच्चा आपके बाकी भाई से बात करे कि नहीं करे, आया क्या वो अपने बारे में बता सकता है आपको, क्या वो बता सकता है कि उसको किस जगह चोट लगी, किस बॉडी पार्ट में दर्द हो रहा है, उसको कहाँ पे तकलीफ है, द चाइल्ड वॉन्ट टू ईट समथिंग, द चाइल्ड इज हंग्री, द चाइल्ड वॉन्ट टू गो टू वॉशरूम, द चाइल्ड वॉन्ट सम वॉटर, इसमें दैट इज बेसिक फंक्शनल कम्युनिकेशन। और ये बड़े सिंपल तरीके से हम इसको डिवेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले जब हमने इन चीजों के ऊपर काम करना है तो हमने सबसे पहले एक एप्रोप्रिएट मीन के ऊपर काम करना है कि हमने बच्चे की फंक्शनल कम्युनिकेशन कैसे डेवलप करनी है। फॉर एग्जांपल हमें देखना है कि बच्चा जो है वो किस तरीके से कम्युनिकेट करता है। जो बहुत सारे अडल्ट होते हैं दे आर कम्युनिकेटिंग थ्रू वर्ड्स, सिर्फ लफ्जों से बोलते हैं, ठीक है, बट देर आर अलॉट ऑफ पीपल, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग सो आई एम यूजिंग माई हैंड एज वेल, आई एम गिविंग द जेस्चर्स एज वेल। मैसेज आ गए थे, ओके। सो
एज ए एडल्ट वी यूज अवर हैंड्स एज वेल, वी यूज अवर वॉइस एज वेल, हम अपने बॉडी भी समटाइम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है. सो हमें ये देखना है कि जिस बच्चे के साथ हम काम करें वो क्या करता है, क्या उसके पास लव्स है. द चाइल्ड इज यूजिंग साउंड्स एंड द चाइल्ड इज यूजिंग साउंड्स आर नॉट, सॉरी बीच में मैसेज मुझे आ गया, मैं अगर मैसेज का रिस्पॉन्स करती हूँ. तो हमने ये देखना बच्चा क्या कर रहा है. चाइल्ड इज यूजिंग जेस्चर, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहा है, साइन लैंग्वेज यूज कर रहा है, हाथ का इशारा कर रहा है. वेदर द चाइल्ड इज यूजिंग अ वर्ड, एक लफ्ज इस्तेमाल कर बम बम बोल रहा है, या बच्चा आपका हाथ लेके वहां पे आपको लेके जा रहा है, या सबने आपने सब चीज अपने माइंड में रखनी है कि बच्चा आपका हाथ लेके वहां पे जा रहा है, या वो जो है अपनी चीजों को आप तक कम्युनिकेट करने के लिए कुछ मुख्तलिफ आवाजें निकाल. तो इसमें हमने सबसे पहले गौर करना था कि बच्चे का तरीका क्या है टू कम्युनिकेट विद यू और टू कम्युनिकेट विद अदर. मोस्टली मदर को चाहिए कि वो इस चीज के बारे में गौर से देखे, अगर वो थेरेपिस्ट के पास जा भी रही है, ताकि उसको आइडिया कैसे अपने थेरेपिस्ट को क्या इन्फॉर्मेशन दें कि अगर बच्चे घर में कम्युनिकेशन डेवलप करनी है तो बच्चे का तरीका क्या है, साउंड्स हैं, वर्ड्स हैं, जेस्टर्स हैं, या मुझे वहां तक लेके जा रहा है. Now the steps two, जैसे अभी हमने बात की gesture है, body language है, उसके बारे में हमने बात की, ठीक है. Children use gesture body language to communicate what wants and need and how he is feeling. A child may point to reach to desire item or object, or sometimes he will take the adult to that place कि मुझे ये चीज दे रहे हैं या मुझे ये चाहिए. So it means that के child एक model को इस्तेमाल कर रहा है अपनी बात को communicate करने के लिए. It means फिर आपने बच्चे की, अगर आप वर्बल कम्युनिकेशन पे काम करें या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ऊपर काम करें तो आपने उसकी पॉइंटिंग पे काम करनी है, करना आपने उसकी आइडेंटिफिकेशन के ऊपर काम करना है. एंड और यही से आप स्टार्ट करेंगे. अगर वर्ड तो फिर आप लफ्जों को इस्तेमाल करेंगे, जुमले को इस्तेमाल करेंगे, उसको पिक्चर दिखा के बोलेंगे ये चीज इस तरह से, क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से बनाएंगे, पर वो तो एक अलग प्रोसेस होता है. लेकिन जब पहला स्टेप था ही आइडेंटिफिकेशन का, कि आइडेंटिफिकेशन हो गई वर्ड है, साउंड है, या बॉडी लैंग्वेज है उसकी बात को कम्युनिकेट करने के लिए, या अपनी वर्ड्स एंड नीड्स को कम्युनिकेट करने के लिए. साइन लैंग्वेज, यहाँ पे साइन लैंग्वेज हमने वो प्रोफेशनल साइन लैंग्वेज की बात नहीं, और यहाँ पे बात हो रही है जेस्चर और पोस्चर्स की, कि वो किस तरीके से आपको कर रहा है. इवन कुछ बच्चे आपको उस चीज की तरफ देखना शुरू कर देंगे, कुछ बच्चे खास तरह का रोना शुरू कर देंगे, मतलब कुछ चीज का आइडिया होता है. लेकिन बच्चे का डिफरेंट तरह का रोना जो आइडेंटिफिकेशन है उसकी हर बंदा नहीं कर सकता. सो आपने इन चीजों को माइंड में रखना है कि अगर आप किसी को ये काउंट दे भी रहे हैं कि क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, द थिंग वुड बी दैट के उसके चीजों को आइडेंटिफाई करके फिर हमने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना होता है. ओके, अब हमने जब उससे काम करना शुरू किया तो हम कैसे कर सकते थे. यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जिसको हम पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन प्रोग्राम कहते हैं, PECES कहते हैं, पैक्स भी लोग उसको बोलते हैं. और कुछ लोगों को लगता है बहुत मुश्किल चीज है, इट इज अ वेरी डिफिकल्टी, बट actually it's not a difficult thing, it is you can use anything, you don't need a difficult card, cards aapko difficult cards nahi chahiye, simple card net se bhi nikal sakte hain. For example, sabse achhe se example toilet training example hogi, usme har cheez jo hai na picture wise hoti hai, aur wo picture wise even likha hota hai, aapne usko explain kar diya. For example, agar toilet training kar bhi rahe hain to aapne wo saath saath explain karna tha ki ye isne ye kiya, ye isne ये वॉशरूम गया है, उसने टैप ओपन किया है, हैंड वॉश किए हैं, साथ साथ एक्शन की पिक्चर भी होगी और साथ साथ आप उसको एक्सप्लेन करो, तो आपने बार बार इन चीजों को एक्सप्लेन बच्चे के सामने करना होता है. तो यहाँ पे हमने पैक की बात इसलिए की चाइल्ड टू कम्युनिकेट थ्रू डिफरेंट पिक्चर्स एंड यू कैन कस्टमाइज दिस पिक्चर एज वेल. नाउ हाउ यू कैन यूज फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सबसे पहले एक बहुत कॉमन चीज है, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन बोर्ड. क्योंकि आप हर दफा कार्ड लेके नहीं फिर सकते, तो आप अगर आप कुछ बाहर के वीडियो देखेंगे तो उसमें कम्युनिकेशन बोर्ड बनाया था जिसमें हर चीज की तस्वीर होती है. फर्स्ट हम ये करें, बाद में हम ये करें, फर्स्ट नाउ एंड देन वाली होती है. पहले हमने अभी जैसे फॉर एग्जांपल हमने खाना का टाइम हुआ तो अभी हम लोग जाके हैंड वॉश करेंगे. सो वो सब उसके अंदर साथ साथ लिखा होता है, उसके अंदर आप चीजों को प्लेस इन कर रहे होते हैं. या फॉर एग्जाम्पल एक फुल डे का स्केड्यूल भी पिक्टोरियल होता है जिसके तहत वो आप डेली की जो चीजें होती हैं आपको बताई जा सकती है, बच्चे को कम्युनिकेट की जा सकती है और बड़ा अच्छे तरीके से बच्चे उसको फॉलो करते हैं. बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू मेक अ चाइल्ड अंडरस्टैंड कि आप क्या कहना चाह रहे हैं. या तो उसके सामने आप मॉडल रखें, समटाइम मॉडल इज नॉट पॉसिबल, या खुद मॉडल करके बताएगा खुद भी पॉसिबल नहीं होता, तो आप पिक्चर उसके सामने दिखाते हैं और साथ साथ मॉडलिंग को भी इस्तेमाल करते हैं कि बताएं कि इसका क्या मतलब है. आई वॉन्ट वाटर, तो आप ये इशारा भी करवा सकते हैं, ये वाटर भी बोल सकते हैं. मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल दिया, या ईटिंग का ये इशारा हो सकता है, या जैसे फॉर एग्जाम्पल वॉशरूम के लिए एक वर्ड पी होता है तो वो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं. सो आई एम श्योर कि आपको आइडिया हो रहा है कि हमने सिंपल तरीके से घर घर के अंदर हम करना चाहेंगे, या जो
थेरेपी रूम के अंदर भी हम करना चाहेंगे, ये सब डिजाइन सिचुएशन होते हैं, आप पहले इन चीजों के बारे में सोच रहे, तो फिर उसके ऊपर आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट भी करना होता है. नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? अगर फर्स्ट स्टेप में आपने उसको एक बोर्ड इस्तेमाल करिए, लेकिन अब आप वहीं पे स्टिक नहीं रहेंगे, यू डोंट वांट योर चाइल्ड टू कम्युनिकेट थ्रू जेस्चर फॉर देयर होल लाइफ, सो इसके लिए क्या करेंगे, आपने उसको वर्ड्स के ऊपर भी लेकर आना है, क्योंकि वंस यू चूज एन एप्रोप्रिएट मींस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर योर चाइल्ड, यू विल देन वांट टू टीच हिम और हर टू यूज दैट मीन ऑफ कम्युनिकेशन. आप उसके बताएंगे बच्चा आपको इस्तेमाल करें, और बहुत सारे बच्चे पजल फिक्सेशन में बहुत अच्छे होते हैं, तो आप इसको शायद 3, 4, 5 या 6 दफा उसको एक्सप्लेन करना पड़े, या हो सकता है आपको ज्यादा दफा भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन द थिंग इज दैट के एट द एंड ऑफ द डे द चाइल्ड वुड अंडरस्टैंड दैट, द चाइल्ड वुड लर्न दैट. और कुछ बच्चे जो स्पेशली ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं या एडीएचडी बच्चे होते हैं, वो बड़ा अच्छा पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं. सो अगर बच्चों को चीजें मुश्किल क्यों लगती है, बिकॉज वो हर दफा डिफरेंट होती है, लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे बच्चे एबीसी क्यों लर्न कर जाते हैं, बिकॉज वो सीक्वेंस उनको हर रोज एक सीक्वेंस नजर आ रहा होता है, ठीक है. सो दैट इज वाई, दैट इज द रीजन कि वो चीजों को खुद भी पढ़ते हैं और ये चीजों के लिए इजी भी होती है. सो फर्स्ट वंस यू डेवलप अ फॉर्म ऑफ बोर्ड फॉर योर चाइल्ड, आपने एक्सचेंज प्रोग्राम उसके लिए कर ले, पिक्चर उसके लिए कर ले, फिर आपने वर्ड्स के ऊपर जाना होता है, ठीक है. एंड सेकंड थिंग इज दैट के देन यू विल स्टार्ट टीचिंग द वर्ड, चूज थिंग दैट आर हाईली मोटिवेटिंग टू द चाइल्ड, सच एज फेवरेट फूड और टॉय. ये ख्याल रखने की होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं खुद नहीं यूज कर रही होती, आई यूज माई बॉडी लैंग्वेज, or you could say I would rather give the child his favorite toy instead of giving him some reward. Har ek apni personal choice hoti hai, to aap har khud personal tarike se rakh sakte hain, lekin avoid kare agar usko meetha pasand hai to aap apne bacche ko meetha nahi dena, aur bhi bahut sari cheeze pasand ho sakti hain, meetha khane se bacche hyper ho jayenge, theek hai. to aapne in cheezon ko bhi thoda sa khayal rakhna hota hai. suggest tickling, bouncing, swing, even bahut sare bachchon ko hug bada pasand hota hai, so you can use that as a reward as well. so वर्ड इस्तेमाल किया जैसे जैसे, इवन वो समटाइम अगर साउंड भी निकालता है, कुछ बोलने की कोशिश भी करता है, मुंह में भी मम्मली भी करता है, फिर भी आप उसको इनकरेज करें टू डू दैट थिंग और टू से द वर्ड. नेक्स्ट इज स्टेप 3. सो द स्टेप 3 वुड बी बट यू हैव चूजन अ वर्ड यू वॉन्ट टू मॉडल दैट फॉर हिम और अर एज मच एज पॉसिबल, सो दैट इट डजंट मीन यू नीड टू ड्रेस अप लाइक एंड डिस्प्ले द वर्ड ऑल द टाइम. इट मीन्स दैट के एक दफा आपने कम्युनिकेशन का जो है वो डेवलप कर लिया है, जितना भी आपको आइडिया है कि आपने कैसे इसको करना है, सारा आपने डेवलप कर चुके हैं. नेक्स्ट स्टेप में आप ये करेंगे कि रिपीट करना है आपने, ठीक है, और मॉडल को वर्ड भी करना है. फॉर एग्जांपल आई वुड से ड्रिंक, तो ड्रिंक का वर्ड मॉडल मैं कैसे करूंगी, ड्रिंक. आप खुद मॉडल है यहाँ पे, ठीक है, आप पिक्चर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बच्चे जब आपको खुद करता हुआ देखेंगे और आप बच्चे को हेल्प भी करेंगे, और आपको मैं एक और यहाँ पे ट्रिक दे सकती हूँ, एक टिप मैं दे सकती हूँ कि आप उसका हाथ पकड़ के भी मॉडल करवाए. मीन्स फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव दिस यू नो दिस कप, मैं कहूंगी ड्रिंक, तो मेरे सामने बच्चे के गिलास में पानी होना चाहिए, मैं उसको बोलूंगी ड्रिंक. सो इफ द वर्ड इज ईट, सो मैं बोलूंगी ईट एंड आई विल पुट दिस इन हिज माउथ एज वेल, उसको हेल्प करूंगी वो खुद खाए. कि ईटिंग का मतलब ये है कि मैंने खाना खाना है, तो अगर वो वर्ड नहीं बोल सकता तो द चाइल्ड विल यूज दैट जेस्चर एज वेल. सो आई थिंक You're getting the idea कि आपने इसको कैसे करना है. और so instead of using that word for the child over and over again, use the word in the variety of different context. For example, इसका मतलब ये था कि आपने जो चीज बच्चे को सिखाई तो different तरीके से भी कर सकते हैं. मतलब for example story में teddy bears hungry, teddy bears eating, फिर हमारे पास poems होती हैं I am hungry, I am hungry, I want to eat. मतलब Mr. किसी भी तरीके से कोई भी poem कोई भी वो करके, क्योंकि मसला ये था कि बच्चे बहुत जल्दी बोर होते हैं चीजों से, तो आपने डेली की बेसिस पे देखिए हम खुद एक एक्टिविटी को डेली बार बार करके बोर हो सकते हैं, तो बच्चा भी इस चीज से बोर हो सकता है. सो द थिंग इज दैट यू कैन यूज सेम थिंग फॉर दैट थिंग, एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि आपकी वर्डिंग परफेक्ट हो. आप उर्दू भी बोल सकते हैं, आप बेशक बेसुरे पोइम्स पढ़ रहे हैं, बेसुरा गाना गा रहे हैं, उसके लिए ये मैटर नहीं करता. हम सबका गोल यहाँ पे कि बच्चा सीख जाए, ठीक है. तो इसी चीज से मैटर नहीं करें कि आपके पास एक्सपेंसिव वो है कि नहीं है. नहीं एक्सपेंसिव, यू कैन यूज द डॉल एज वेल. पिक्चर्स नहीं है तो खुद पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, बोर्ड के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं. तो यहाँ पे कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इसको कैसे करना है, ठीक है. पहली चीज, सेकंड चीज, आपने वो चीज बार बार रिपीट करी, बार बार बताना भी है उसको. मेनी टाइम यू हैव टू रिपीट दैट वर्ड मेनी टाइम, ताकि उस बच्चे की पहले तो पिक्चर मेमोरी बन जाएगी और सेकंडली फिर उसकी वर्बल मेमोरी भी साथ साथ बनती रहे, और साथ आप उसको ओवरऑल अपने बॉडी के वो भी दे रहे हैं साथ के, वो कैसे उसको करना है, ठीक है. सो द स्टेप 4 वुड प्रोवाइड टेम्पटेशन टू से द वर्ड. अच्छा, ये बड़ी ट्रिकी चीज होती है.
आपने एक और चीज नोट की कि जब बच्चों के साथ पोइम पढ़ रहे होते हैं तो दे आर वेरी एक्साइटेड फॉर दैट पोइम, वो पोइम के लिए बहुत एक्साइटेड, उनको बार बार पढ़ेंगे। और अगर आप कभी कोई एक ट्रिक आप सब अपने बच्चों के साथ करके देखिएगा, इवन वेदर इट्स योर थेरेपी सेशन या घर के अंदर कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप कभी गलत पोइम पढ़े बच्चा आपको करेक्ट करेगा और बड़ा खुश होकर करेक्ट करता है। तो आप ये ट्रिक भी कर सकते हैं, हर मदर की अपनी ट्रिक होती है। लफ्ज छोड़ दिया, खामोश हो गए, कुछ और बोल दिया, सो यू गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पे आप करके बच्चे से कोई परमिशन दे सकते हैं बोलने के लिए, से बोले समथिंग इज कमिंग 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 ईट, जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रही हूं, ठीक है, एंड ड्रिंक 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 पानी पानी पानी, कुछ भी आप कह सकते हैं, इट कुड बी एनीथिंग। देखिए इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, द थिंग इज दैट यू वांट योर चाइल्ड टू लर्न, तो वो आप कैसे करता है सो होली सोली डिपेंड ऑन यू। और सेकंडली एज अ मदर आपको पता है कि बच्चा क्या खेल के खुश होता है, किस चीज से बात मानता है, और ट्राई नॉट टू गिव हिम एनी काइंड ऑफ लालच। लालच मसला ये होता है कि बच्चे को हम लालच देने से करवा रहे हैं और पनिश भी नहीं करना, पनिश हो जाए तो मदर कहते हैं हमसे पनिश करो, फिर पता है मदर बाद में इस बात में गिल्टी भी होती है बच्चे को पनिश किया, तो अवॉइड करेंगे शायद आपको। अगर देखिए जिस दिन आपको फील हो रहा है आपको गुस्सा आ रहा है, आप ट्राई करें उस दिन ये चीज ना करें। मैं खुद भी ये करती हूँ, थेरेपी में ये करते हैं कि जिस दिन हम बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो, देखिए हर तरह के सेशन करते हैं, अडल्ट सेशन भी करते हैं, मदर से भी बात करते हैं, तो जिस दिन हमें लगता है कि हमारी एनर्जी डाउन है या हम एग्रेसिव हो सकते हैं, तो हम प्लेफुल एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग आवर यूजुअल एक्टिविटी, तो हम अपने आप को भी रिलैक्स करेंगे, चीजों को चेंज कर देते हैं, ठीक है। सो यू कैन डू द सेम एज वेल, कि आप प्रैक्टिस जिस दिन आपसे नहीं हो रहा तो फिर आप उस चीज के ऊपर गिल्टी नहीं होंगे, ठीक है। ओके, मैं चाइल्ड रीच अप टू अ पॉइंट दैट इफ यू कंफ्यूज्ड टू से व्हाट डू यू वांट, गिव द चाइल्ड व्हाट टाइम टू सी एंड ही विल से साइन पुश बाय हिमसेल्फ, ट्राई कंटिन्यू टर्न इन योर बेड सो दैट यू विल वेट इट लॉन्ग एनफ। अब आपने टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल व्हाट का क्वेश्चन पूछे कि आपको क्या चाहिए, आप उसको चॉइसेस भी दे सकती हैं, लेकिन ये चॉइस खाने में होगी, ठीक है, कि पानी पीना है, खाना खाना है, तो वेट करें बच्चे का, ठीक है। समटाइम बच्चा आपकी तरफ देखा होगा, देखा देखा आप अपने जहन में 10 टाइम काउंट करें, फिर उसके साथ बोल, ओह फॉर एग्जाम्पल अ चाइल्ड नेम इज अली, ओह अली वॉन्ट टू ईट समथिंग, अली इज हंग्री, अली को भूख लगी है, चले हम कुछ खाते हैं मिलके। मीन्स बस जितना बच्चे को लगेगा यू आर इन्वॉल्व इन दैट थिंग, उतना ही वो बच्चा उस चीज को अच्छा पिक करेगा। नेक्स्ट थिंग इज दैट के आफ्टर यू गिव सम वेट टाइम, मॉडल द वर्ड फॉर द चाइल्ड एज अ क्वेश्चन, आस्क डू यू वांट द बॉल, यस आई वांट द बॉल, आई मीन ये क्वेश्चन मतलब उसको ऐसे बता जैसे तुम जहन में क्वेश्चन रिपीट करते, मींस आप उसको सोचना भी सिखा रहे हो साथ बोलना भी सिखा रहे हैं, एंड देन काउंट टू 10 अगेन एंड से द कीवर्ड। If the child doesn't say sign, push, point to the word, go ahead and model the word for the child again, then it gives to him. You don't want to frustrate him. Means मैं यहाँ पे again कह रही हूँ, बच्चे को frustrate नहीं करते, एक चीज़ यहाँ पे और भी होती है कि जब बच्चों को नहीं आती तो बहुत guilty feel कर रहे होते हैं इस चीज़ पे, तो आपने बजाय से उसको थोड़ी अजीब सी वो दिया, अब समझ आ गया कि बच्चा नहीं कर पा रहा, तो फिर आपने पहले ही मतलब वो कर दिया, पहले बता दिया, पहले आप उसे पॉइंट जहाँ फ्रस्ट्रेशन खत्म हो गई, या वो गिल्टी फील ना करे, या उसको बुरा महसूस ना हो कि मैं नहीं कर पा रहा, तो इट शुड बी अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट। जैसे मैंने अभी कहा यू नीड टू बी, हर बच्चा अलग आएगा, सम टाइम हम बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जल्दी रिस्पॉन्स करे, वो लेट रिस्पॉन्स करते हैं, सम टाइम हम टेक्निक्स चेंज कर देते हैं, ठीक है, यू नीड टू बी वेरी पेशेंट एंड यू नीड टू बी डूइंग थिंग अंटिल अ चाइल्ड इज एबल टू यूज दैट मेथड टू कम्युनिकेट। इफ यू डन दिस फॉर अ व्हाइल एंड सर्टेन वर्ड्स डू नॉट वर्क, डॉक्टर शुगुप्ता आप माइक काइंडली बंद कर दें, सॉरी आपके माइक ऑन है, बंद कर दें, थैंक यू। ओके, सो द थिंग इज दैट कि आपने बजाय इसके फ्रस्ट्रेट भी नहीं हो, आपने उस चीज को अगेन एंड अगेन करते रहना, और इवेंचुअली इफ यू थिंक दैट द थिंग इज नॉट वर्किंग, तो फिर आप अपनी स्ट्रेटजी को भी चेंज कर सकते हो। नाउ थैंक यू सो मच, एंड बहुत ज्यादा बोल लिया मैंने, अब स्क्रीन शेयर बंद करते हैं and let's see who is here and what they want to say. So bataye aap logon ko kitna samajh aaya.